इतना खजाना एक साथ देखकर किसी की भी नियत डोल सकती है। कोई भी चाहेगा कि इतना खजाना उसका हो जाए, लेकिन सिर्फ सोचना ही नहीं, क्योंकि इस खजाने को अवैध तरीके से जुटाया गया है, जिसे बिहार के किशनगंज से निगरानी विभाग ने जब्त कर लिया है और ये खजाना एक इंजीनियर के घर से बरामद हुआ है। अभी तक की जांच में पता चला कि इन नोटों की कुल कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। इसके अलावा निगरानी टीम ने कुछ गहने भी जब्त किए हैं। जानकारी के मुताबिक निगरानी टीम ने इंजीनियर संजय कुमार राय के 3 ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से नकदी और जेवरात जब्त किए। ये छापेमारी किशनगंज के रुईधासा स्थित इंजीनियर के आवास पर की गई। इतना ही नहीं, विभाग के कैशियर खुर्रम सुल्तान के घर पर भी निगरानी टीम ने छापा मारा। हालांकि वहां से कितना कैश और जेवरात अभी तक जब्त किए गए हैं, इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह कैश बरामद किया गया है, उससे साफ है कि इंजीनियर घूसखोरी में शामिल रहा है, लिहाजा अब उस पर कार्रवाई होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।